कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है चंडीगढ़ डायरेक्ट लगाने का? सबसे आगे हूँ मैं, बिल्कुल बाइक लोड है, 155 टच कर दिया और कर तो भाई लोग हम फाइनली पहुंच चुके हैं मनाली। और पता नहीं यार, आज मनाली में कुछ ज़्यादा ही जाम नहीं है, ये लाइन लगी हुई है लगभग शिशु से, वो शिशु कह रहा हूँ, सोलान वैली से काफ़ी लंबी लाइन लगा रखी है इन्होंने। मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। और यहाँ पे शायद आज हुई है बारिश और अभी भी मौसम बना ही हुआ है, एक दो बूंद अभी भी गिरी है मेरे ऊपर। मैं तो यही चाहूँगा कि बारिश ना हो, क्योंकि भाई अपने को तो चंडीगढ़ जाना है और नॉन स्टॉप खींचने का सोचा है हमने कि सीधे चंडीगढ़ लगाएंगे। अरुण का फाइनल हो गया, वो रुक रहा है मनाली। कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है चंडीगढ़ डायरेक्ट लगाने का? आज थोड़ा टफ हो जाएगा बट कल के लिए इजी हो जाएगा अपने लिए, है ना। कल के लिए इजी क्यों होगा? क्योंकि भाई, अरे यार ये कीचड़ इतना मत उड़ाओ भाई साहब। अरे हेलो, कल के लिए इजी यूं हो जाएगा कि घर अपना रहता रहेगा वहां से ओनली 300 किलोमीटर्स। मेरे ख्याल से ये माल रोड के आसपास का ही जाम है, इसके बाद तो मंडी तक पूरा हाईवे है, तो शाएं खींचेंगे। तो भाई मैं रुक गया हूँ ये मनाली वाले कट पे, और मनाली वाले कह रहा हूँ कुल्लू वाले कट पे, क्यों? क्योंकि ये रह गए थे पीछे। अरे यार इतना भी ज़्यादा पीछे नहीं थे वैसे, है ना। कुल्लू में राफ्टिंग वगैरह भी होने लग गई है और पैराग्लाइडिंग तो होती ही थी। अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर दी गई हैं। और भाई इस वाले ट्रिप पे ना बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक की हैं, आपको भी देखनी है देख सकते हो, मगर वो दिखेंगी कहाँ पता है आपको? इंस्टाग्राम पे। फॉलो नहीं कर रखा? यहाँ होगा आईडी नेम और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इंस्टाग्राम आईडी का, फटाफट से जाओ और फॉलो कर लो, जिससे आपको हमारे ट्रिप्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड मैं अच्छी अच्छी रील्स भी डालने लग गया हूँ आजकल, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो भाई हम फिलहाल अभी रुके हैं बिलासपुर से थोड़ा सा पहले, और यहाँ एक वगैरह पीते हैं और एक बर्गर खाएंगे, फिर चलते हैं। The next morning. Hello guys, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही हो गए। आपका नई वीडियो में स्वागत है और हम हैं फिलहाल केशव के यहाँ, और केशव से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं ब्रो दोबारा से। मिरर्स खोलते हैं, अपना विमान चालू हो चुका है, चेन लूप और क्लीन हमने रात को ही कर लेता। वैसे प्लान तो निकलने का था कि हम 2 बजे तक निकल जाएंगे सारे, बट वो डिले हो गया 2 से, कब 5 बज गए किसी को नहीं पता। चलो ब्रो सो जा, अब हमारी वजह से नींद खराब हो रही है तेरी, मिलते हैं। तो भाई यहाँ से रहता है 250 किलोमीटर का सफ़र अपना आज का, जो कि है घर वापसी का दिन। और फिलहाल तो अभी ऐसा लग रहा है कि बस घर पहुँचे जल्दी से। मैंने खूब मज़े किए यहाँ पे केशव के यहाँ पे, मस्त एक नंबर सिस्टम है। अब अपना लौंडा भी है यहाँ पे,
उसके बाद भी मजे ना हो तो क्या फायदा। रोड यहाँ से थोड़ी सी अपने को खराब मिलेगी, शब ने मेरे को बता ही दिया था कि यहाँ पे रोड होगी थोड़ी सी खराब, लगभग 2 से 3 किलोमीटर, बट जाना तो है ही है। इससे खराब खराब रोड पे चला ली, ये क्या ही है। लद्दाख वाली फीलिंग नहीं खत्म होगी बल्कि सिटी से अच्छी रोड है लद्दाख में। तो भाई हम चंडीगढ़ वाली रोड पे हैं जो कि अंबाला से कनेक्ट करता है, और केशव के घर से हम निकल चुके हैं। अब यहाँ से अंबाला रहता है लगभग 14 किलोमीटर और घर रहता है 232 किलोमीटर, जो कि दिखा रहा है 4 घंटे। अब देखते हैं हम बीट कर पाएंगे मैप को या नहीं, क्योंकि इस टाइम सबसे आगे हूँ मैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सबसे आगे, क्योंकि अभी मैंने टॉप स्पीड टच की है इसकी 155 ऑन लोड, पूरी बाइक लोड है, 155 टच कर दिया। और कर सकता था मगर मैंने पुश नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो यार कौन करेगा, क्योंकि सत्यम बहुत स्लो चल रहा है, तो उससे हमने बोल दिया कि भाई हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। वाह, अरे मैं तो भूल गया था मैं पंजाब में हूं ना। और फ्यूल की रेंज भी इतनी है कि मैं सिर्फ घर पहुंच सकता हूं। एक पहला दिन होता है ट्रिप का जो कि हमें पुश करता है कि भाई आज खींच लेते हैं जितना खींचना है, उसके बाद से तो स्लो स्लो ही चलना है। और एक ही आखिरी दिन कि आज ही खींचनी है जो भी खींचनी है, इसके अलावा खींचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जब घर 4 घंटे दूर हो तो भाई फिर तो ऐसा लगने लग जाता है कि क्या ही हो रहा है, इतनी दूर कैसे ऐसा लगता है कि 4 घंटे नहीं, वो 8-9 घंटे हो गए और हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे कहीं भी, नॉन स्टॉप इन वन गो, कोशिश पूरी यही है। और आज है संडे, संडे संडे हमारा प्लान ये था कि हम रात के 2 बजे निकलेंगे, जिससे रोड अपने को पूरी खाली मिलेगी और गर्मी से हम बच जाएंगे। बट वही हुआ ना कि गर्मी से क्या ही बचेंगे, उठे ही 5:30 बजे सुबह, तो उसी में गेम हो गई खराब। अब अपने को 4 घंटे लगेंगे तो 6:30 हो रहे हैं, उसी हिसाब से देख लो 10:30 बजे, तो उसको नाना करते हुए 11 मान लो। बस एक बार अंबाला वाला हाईवे आ जाए फिर और खींच देंगे दबा के,
क्योंकि अभी तो मन नहीं कर रहा, पतली सी रोड है, सेफ भी नहीं है ना खींचना, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं हम। और हमारा स्लो देखो पूरे के पूरे 120 की स्पीड में चल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अंबाला गेट पे और वर्ल्ड फेमस जगह सिटी सेंटर। हम रुक नहीं रहे कहीं भी, बिल्कुल गोली की रफ्तार में यहाँ से करेंगे शाइन, क्योंकि अब मैप की जरूरत नहीं है, अब तो दिमाग में ये रास्ता सेट हो ही चुका है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। लद्दाख ट्रिप का आज होता है डी एंड। बहुत अच्छी ही ट्रिप थी और हमने बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस लिया हर चीज़ का, कि जहां रोड बंद है वहां क्या करना है। और उसके बाद फिर जैसे ट्रकों में आए हम, पहला एक्सपीरियंस जिंदगी का, बाइक भी तोड़वा ली, स्क्रैच भी लगवा लिए, बहुत नुकसान झेल लिया एंड अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। बस सही सलामत सारे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। मैं, तुषार, केशव और अक्षय, अक्षय की बाइक में बहुत बड़ा डैमेज हो गया है, तो वो अंबाला ही रुक गया है कि सिस्टम हैंग हो गया बेचारे का। चलो कोई नहीं, बाकी वो भी आ ही जाएगा 2-3 दिन में। बाकी केशव है वहाँ पे तो वो मैनेज कर ही लेगा एंड सब सेफ एंड साउंड है। बाइक में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा अपनी बाइक में डैमेज और ये देखो पूरी बाइक बहुत सही है, सब मस्त है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये लद्दाख की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, डू एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक ले टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको ऐसे ही बढ़िया से किसी दूसरी वीडियो।